परमादिनी सज्जनों, सुबह का वक्त हो गया है और सभी के लिए सुबह की राम राम है, राम राम साहब। आदिनी सज्जनों, गौर करिएगा, आप जैसे बुद्ध जीवियों ने लिख दिया है चार लाइनों में, और कहना है भैया जी कैसे। एक दिना की बात सखी और वो श्याम लला मेरे घर आया कि मैंने तो समझो कोई ब्रज को सखा सखा जल्दी से घूंघट पट सरकार इतने में वो चले जो गए और एक सखी मुझे आई बताया कि आग लगो या बेर निलाज में अखियां भर श्याम मैंने देखना और आइएगा चलते हैं सुबह का वक्त और सुबह की चीज और चाचा जी कहना कैसे। हे गिरधारी को पाल मेरे हे गिरधारी को नमस्कार, आदरणीय सरपंच साहब जी की तरफ से आ रहा है आशीर्वाद की कामना करूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सज्जनों, आप अपने ध्यान को उसी जगह पर लाइएगा जहां पहले प्रसंग को छोड़ा था। गौर करिएगा, आज इधर जब भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया अर्जुन महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के अंदर आज एक पांडव वीर मारा गया, आज इधर अर्थ में जवाब दिया है कि इतनी बात सुनी माधव की क्या हुआ और इतनी बात सुनी माधव की और अर्जुन मन घबरायो है, अरे धक धक जिया धड़क गयो माथे पे पसीना आयो है।
सो कहा घटना घट गई समर में, क्या कहा सो कहा घटना घट गई समर में, और सही सही बतलाओ और मत मोते भेद छुपाओ। आदरणीय सज्जनों आज इधर अर्जुन बार बार पूछने लगे, रोने लगे, एकदम से रथ पर गिर जाते, अंदर ही अंदर टूटने लगे। भगवान ने जब अर्जुन की हालत को देखा, गौर करिएगा आज मन ही मन सोच रहे और विचार कर रहे कैसे, रणभूमि में रणभूमि में, अरे रणभूमि में पारथ को कब चोर नहीं पड़े। अरे जल्दी यहां से चलो सिर को, समर में कौन मरो बलिदानी है, सब मालूम पड़ जाए समर में कौन मरो बलिदानी। सुनिएगा कवि लिख रहा है बड़ी सुंदर सी बात, गौर कहना, कहना है हेरे पत्थर के भी टुकड़े कर दे, अरे पत्थर के भी टुकड़े कर दे और जिसमें सीख बिरानी, क्यों हेरे वो घर नहीं बस सकता है, कौन सा अरे वो घर नहीं बस सकता जिसमें हर दम भी जाता भगवान श्री कृष्ण गांडीवधारी अर्जुन को वापस कुरुक्षेत्र में लेकर के आ जाते हैं। पांडवों के शिविर में शोक छाया हुआ है, मातम छाया हुआ है। आज इधर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं, सुनिएगा जिकड़ी का चौक और भैया जी कैसे, अर्जुन श्याम देख रहे थाड़े रे, क्या देखा अर्जुन श्याम देख रहे थाड़े रे, जिनके औंधे पड़े नकारे रे, जिनके औंधे पड़े नकारे रे। भैया
एकदम से फूट फूट कर रोने लगे, कहने लगे, भगवान मेरा बेटा कहाँ है, मेरा लाल कहाँ है, मेरा छैया कहाँ है। भगवान से पूछ रहे, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और जवाब दे रहे, भैया जी क्यों छल करने वाले ओ छैया। आदरणीय सज्जनों, आज इधर अर्जुन को पता चल जाता है कि अभिमन्यु का मरण हुआ। क्या? अरे अभिमन्यु का मरण हुआ जब याद कुमार की आती है और काय पचार गिरोधरणी में फटी जाए रही चाहती है। सो तेरे बिना कुमार लाडले क्या हुआ, सो तेरे बिना कुमार लाडले और ना कोई धीर धरैया और कई डूबे भमर में। आज अर्जुन फूट फूट करके रोने लगे। भगवान ने समझाया, अर्जुन मेरी बात को गौर से सुनो। लेकिन आज इधर चारों पांडवों ने देखा जब अर्जुन को, आज धर्मराज अपने भाई अनुज के पास आ जाते हैं और आज अर्जुन को जवाब दे रहे हैं। और सुनेगा जिकड़ी का ढोला बजा देते हैं। धर्मराज कह रहे, भैया हे अनुज मेरी बात को गौर से सुनना, उन पापियों ने हमारे पुत्र के साथ में क्या क्या किया है और गौर से सुनना। कह रहे भैया जी कैसे, मरे पुत्र में ठोकर मारी, मरे पुत्र में ठोकर मारी क्यों, अरे मार सिर में, अरे मार सिर में, अरे मार सिर में लात संचालक जी दे रहे आशीर्वाद की कामना करूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा आज धर्मराज कह रहे भैया क्यों, हे रे सात महारथी ने घेर के मारो, सात महारथी ने घेर के मारो, द्रोण गुरु ने जुलम गुजारो, द्रोण गुरु
ओहो मेरे भैया रे, क्या हुआ? ओहो मेरे भैया रे, और रोए रोए के पांडव ऐसे कह रहे भैया रे। तेरे जिनके नैनन थे हम भे, जिनके नैनन थे मेरे भैया, जिनके नैनन थे बरस रही चल धार मेरे भैया रे। गौर करिएगा, आज धार पांचों पांडव रो रहे, और सुनिएगा उड़ान इधर। आज अर्जुन प्रतिज्ञा करने लगे कि संकल्प करने को जल नहीं भापे, अरे संकल्प करने को जल नहीं भापे। फिर गांडीव ले लियो हाथन में, और आग बरसती दिख रही जाके मुंह से निकली बातन में, कि छक्का छूट गए पंडन के, अरे छक्का छूट गए पंडन के, गए श्याम सना को खाए और आगे दौहाल। सुनिएगा उड़ान, और भैया जी कह रहा है कवि कैसे, सोजी पारत ऐसी कहे क्यों कि प्रण में पूरो पारूंगो, कि प्रण में पूरो पारूंगो, कहा कि प्रण में पूरो पारूंगो, कि प्रण में पूरो पारूंगो। जाती है, सुबह का वक्त है और प्रसंग के हिसाब से सूर्य का कहना है